इसका बताइए बेटा, इस ये कितने का होगा? कितने का? ये देखना है। So, ये अभी दीपक के पास हम पहुंच गए हैं। गाइस हैप्पी होली। मैं होली विश करना भूल गया था आप लोगों को, जो आज है छोटी होली है एक्चुअली। तो छोटी होली मतलब जब वो होली पूजते हैं, आज वो वाला दिन है। तो हम दोनों जा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12-1 बज रहे हैं। तो जल्दी से जाके जल्दी आना है क्योंकि पूजा का टाइम हो जाता है, फिर घर वाले लाठी चलाते हैं। तो फाइनली हम बंजारा मार्केट में आ गए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रॉपर मार्केट है और जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये देखो शीशे में, मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है ये। आ जाएगा भाई, बिल्कुल आओगे ऑनलाइन और क्या। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं आप देखोगे तो। ये भी, ये क्या घड़ी इसी के अंदर फिक्स है ये? अच्छा अच्छा, इसके अंदर ही है ना लगी हुई। कहाँ से लाते हो आप ये सामान वगैरह? खुद बनाते हो या कैसे? जोधपुर से। जोधपुर से? तो ये सामान जोधपुर से लाते हैं। ये काका बैठे हैं हमारे साथ। तो बाकी यहाँ काफी सारा देखो, ये शीशे वगैरह मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं और ये प्रॉपर आर्ट वर्क है, मतलब जोधपुर का ये बताते हैं इसे। इनके पास काफी सारा है। आपके पास प्रॉपर खाली फर्नीचर का ही सामान है, मतलब ये इस तरह का लकड़ी का ही? इसका इसका क्या प्राइस होगा? ये कितने का होगा भाई? कौन सा? ये 2200 रुपए का। तो ये 2200 रुपए की है। काफी अच्छी, गाड़ी में डाल, काफी अच्छी है यार ये। आराम जा रहे ये। मतलब ये तो नहीं है ना कि कहीं टूट वूट जाए? बड़ी जल्दी आराम जा रहे। कितने तक की दे दोगे आप आखिरी में? बढ़िया, आपको दे देंगे हम 1500 रुपए में। देख लो पक्का मजबूत है ना? मजबूत है भाजी। ठीक है, वैसे ये बंजारा मार्केट के अंदर है इस टाइम हम, और अब मेरा मन बन गया है इस चेयर को लेने का। तो मेरा पूरा मन है इस चेयर को लेने का। मैं ये चेयर पक्का, जिस पे दीपक बैठा हुआ है, ये चेयर मैं ले रहा हूँ फाइनली। बाकी हटिए, मैं बैठ के देखता हूँ एक बार। टूट जाएगी? हट तो सही, देख चेक तो करने दे, टूटेगी तो नहीं लूंगा। अरे 100 किलो वजन है मेरा। अच्छा भाई साहब, मेरे हिसाब से पूरी कंफर्टेबल है। तो भाई दीपक, मैं तो डन हूँ इसे लेने के लिए। फोल्ड होती है? दिखाना एक बार, एक बार करना भाई इसे फोल्ड, एक बार दिखाना। तो हम यहाँ पे आए हैं और हमारा इस चेयर को देख के बड़ा ही शानदार मन बन गया है। ये गाड़ी में डिटेल ऐसे कैसे आ जाएगा? गाड़ी में वैसे ऐसे ही आ जाएगी। और ये इनका क्या प्राइस होगा? इनका क्या होगा, कितने के होंगे ये? ये रोजी तराजू होगी। ये होगा साहब जी आपको लिए 1800 रुपए का, 1700 रुपए का दे दो रूम के लिए। और ये 1200 रुपए है। और ये शीशा महंगा बता रहे पापा आपने? ये तो चलो हमें बढ़िया चीज पसंद आई है। फ्रेश पीस पड़ा है उधर देख लो। ये देखो, ये पक्की बात है ना, ये निकल तो नहीं जाएगा ना कहीं? उधर देखो कहीं, क्योंकि हमारे निकल जाए और फिर वजन झेल लेगा। हमारे ले वजन बहुत के 100 किलो झेल लिया। वैसे यहाँ पे सारी चीज यही है, फर्नीचर उनचर भी है। इसका बोलो क्या दोगे? अभी तो सब बच्चे परेशान हैं। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे लेने को, तो पूरी मार्केट है इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। देखो ये बंजारा मार्केट सेक्टर 56 गुड़गांव में है। लोकेशन वैसे उस पर आ जाती है गूगल मैप पे भी, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी सामान है यार यहाँ पर, पूरी मार्केट बहुत बड़ी है। हम तो अभी एक छोटे से कॉर्नर पर हैं, देखते हैं दीपक को क्या पसंद आया है। हाँ लैंप है, लैंप जैसा ही है। अच्छा है, रिस्क बस अपने वजन की वजह से है कि हाँ भाई ज़्यादा वेट होने की वजह से कहीं ये जल्दी ख़राब ना हो जाए।
बाकी वैसे कंफर्टेबल है, इस पर आदमी आराम से सो भी सकता है, मेरे को तो बड़ी पसंद आई है ये। बाकी आप इनसे प्रॉपर रेट लगवाते हैं कि किस रेट के देते हैं ये, और आखिरी प्राइस क्या बताते हैं काका हमें, जो भी आखिरी प्राइस बताएंगे फिर हम दोनों, क्योंकि मन तो हमारा दोनों का पूरा बन गया इसे लेने का, तो लेके हाँ दो लेके फिर हम निकलते हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं प्राइस की, वो कैमरे के बंद करके पूछेंगे प्राइस, क्योंकि हम अब अपने ज़्यादा सस्ता लेंगे भाई, तभी तुम्हें बताएंगे कि हमने कितने का लिया। चलो बाकी हम लेते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं पूरी डिटेल की, कितने का हमें पड़ा, क्या है क्या नहीं। लो पकड़ो, पकड़िए दीपक, डेट आ गया फोन में, चेयर्स ली है, पकड़ो सही ऊपर से जोर लगा थोड़ा, ऐसे चिपका दो ना, पीछे थोड़ी बैठे हो। हाँ पीछे नहीं बैठ रहा कोई, तो चिपका दो इसे, करना बंद हो गई। यहाँ से पसंद कर लो, चार भी सिम कार्ड सम तो आ गया, ये शीशा लेने की सोच रहा हूँ। आप 1500 अब हमें बता रहे हैं और हमारे सामने वो 700 का लेके गए हैं ना, ये काफ़ी महंगा बता रहे हैं ये शीशा, वैसे 1500 को बता रहे हैं, बट मैं 1500 का, मुझे यार इसका वर्थ लगता नहीं है। कितने का लगता है? बाकी हम इनसे बात करते हैं कितने में देंगे कितने में नहीं, फिर देखते हैं। बताओ काका, देखो हम मैंने है 600-700 रुपए दी थी वो लड़की आप किसी कीमत पे दी। अरे यार कौन सा प्लांट है ये? बेम्बू प्लांट है। अच्छा बेम्बू प्लांट है, पर ये वैसे वाला बेम्बू प्लांट तो नहीं है जो वो आते हैं, ये लकी बेम्बू है? नहीं, एक बेम्बू वाले वो भी आते हैं ना जिसमें काफी सारी होती है डंडिया एक साथ जुड़ी होती है, ये कौन सा बेम्बू प्लांट है? कितने का है ये? 280 रुपये। बड़े वाला ये 350 रुपये पर हर स्टिक गए न्यूज में। हाँ बिल्कुल आएगा, रिकॉर्ड हो भी रहा है, हो भी रहा है और क्या। तो 200 रुपये में हमने ये बैम्बू स्टिक्स ली हैं, क्योंकि ये देख सकते हो आप, तो ये स्टार्टिंग में ही आप बंजारा मार्केट में आओगे तो स्टार्टिंग में ही एंट्री पे ही है, यहाँ पे 200 रुपये की मैंने बैम्बू स्टिक दी है। एपीएम भाई साहब जी, देंगे न्यूज में? अरे दिख ही रहे हो, ये देखो यहाँ तो नहीं, सब दिखेगा, सब न्यूज में आएगा। प्लेट कैसी थी भैया? ये 200 रुपए की। ये सूप वाला कितने का? 800 रुपए का, 6 बाउल 6 चम्मच। तो अभी हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ आओ तो भाई शाम के टाइम ही आओ, बहुत गर्मी है, धूप, सामान काफ़ी सारा है वैसे, यहाँ देखने को मिलेगा आपको काफ़ी सामान है, दराज भी है यहाँ, काफ़ी अच्छा सामान है वैसे यहाँ, चाहो तो एक एंड। मेरे को तो यार ये एंटीक पीस से लगे, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में आदमी को इतनी इजीली ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। यहाँ पे है शीशे वगैरह हैं काफ़ी है यार, ये देखो ये गन, ये खाली शो के लिए है, चलती भी है शो के लिए, ऐसे नहीं होते यहाँ पर, कैसे होते हैं? हाँ कैसी बातें कर रहा है? ये शीशा कितने का है? 2200। अरे यार ये बस यहाँ एक यही चीज़ है, कितनी महंगी महंगी चीज़ें रेट इतना महंगा बताते हैं कि आदमी का लेने का मन ही ना करे। गलत कहाँ, बस तूने 2200 बताया, मैं वही बता रहा हूँ, सस्ता बता। ये वाला अभी एक ने 700 बताया था, तो वही बता रहा हूँ तभी। आप बता ना। मैं तो 500 तो उसे ही बोल के आया हूँ, मैं वो 700 तक तो वो अटका हुआ है। देखो 2200 रुपये का शीशा भाई, यार दीपक ये भी बढ़िया बढ़िया चीज़ है वैसे, ये वाली टेबल है ना, सही कह रहा है, टेबल बड़ी, इसका बताइए बेटा, इस ये कितने का होगा? कितने का? 6000। ये 6000 का इसका बताया है उन्होंने, क्या है इसे 6000 यार, वैसे 6000 नहीं, 2000 में। ये दो जनों के लिए डेट पे है, घर पे मैं किसके साथ डेट पे जाऊँ, यहाँ बैठेगा एक वहाँ बैठेगा। गाइस वैसे इस बंजारा मार्केट में ज़रूर आएँ,
इन लोगों की भी यार एक हेल्प होती है, ये लोग भी कहीं और से बाहर से रहने आते हैं, अपना सामान बेचते हैं बाहर। मैंने अगर आपने वो बैम्बू स्टिक वाला पार्ट देखना, आप इसमें बैम्बू स्टिक का एक पार्ट है, बैम्बू स्टिक ले रहे हैं हम, तो आमने सामने दो बैम्बू स्टिक सेलर बैठे हैं, बट एक के नहीं बिक रहा है, एक की बिक्री होती है। तो बड़ा अजीब सा, मतलब वो बड़ा मासूमियत सा चेहरा था उसका, उसकी सेल नहीं हुई थी। तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर, यहाँ आओ, सेक्टर 56 में है ये, वहाँ पे गुड़गांव में आओ, यहाँ पे आप परचेजिंग करो, काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे ख़रीदने को। एक फर्नीचर मार्केट तो बहुत है ये, मतलब फर्नीचर भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो कि। तो आओ यहाँ, इनका भी चलाओ यार, ये भी आए हैं कहीं से। बाकी देखो हमने जो चीज़ हमने ली है, वैसे हमने जो रिलैक्सिंग चेयर ली थी वो गाड़ी में रख चुके हैं, वैसे हम थक चुके हैं तो हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर की, और पहले कुछ खाएंगे फिर घर जाते हैं। तो मैंने ये शीशा परचेज कर लिया है फाइनली, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा बड़ा मन था पूरी मार्केट घूम के मैं दोबारा यहीं आया हूँ। यहाँ से हमने वो रिलैक्सिंग चेयर भी ली थी और अब ये भी ले लिया है, सस्ता दिया है हमें, देखो पूरा सस्ता दिया है काका ने, कोई वो सबसे बढ़िया दुकान है। अगर आप और मैं बंजारा मार्केट आ रहे हैं, सबसे पहले ना आप आगे की दुकानें छोड़ दीजिए, सबसे आखिरी में एक फर्नीचर दुकान मिलेगी, काका आपको मिलेंगे। तो ये भाई जिसने लिया है, इसका चैनल है ये, भाई मैं पूरी मैं कैमरामैन बात कर रहा हूँ दीपक चौरसिया, लेकिन पूरी मार्केट हम घूम आए, पूरी मार्केट में घूमे, सबसे पहली शॉप यही थी जहाँ पे हम आए, हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उतरते ही है रिलैक्सिंग चेयर, काका ने हमें पूरी सस्ती दी रिलैक्सिंग चेयर। अब ये मैंने जो शीशा लिया ये हमें, और मैं पूरी मार्केट में हम घूम आए, कोई इतनी शर्म नहीं कर रहा किसी की जितनी काका ने करी है। आप इस मार्केट में आओ, एंट्री से घुसते ही 56 सेक्टर में है बंजारा मार्केट, एंट्री करोगे घुसते के साथ ही आदमी सीधे ही सीधे आते जाओ आप इस मार्केट में, आपको कहीं भी देखेगा। यहाँ पीछे रैपिड मेट्रो का पिलर से है लग रहे हैं आपको, देखा ये लोकेशन इधर साइड भी दिखा दे ताकि आप लोगों को आ जाए। बाकी ये काका बैठे दिखेंगे, काका को दिखा दे, ये काका आपको बैठे दिखेंगे यहाँ पे, और ये पूरी शर्म करते हैं भाई, यहाँ आओ और पक्का यहाँ से लेके जाओ, पूरा सामान है यहाँ पे आप देखोगे तो, ये बड़े बड़े शीशे वगैरह, ये चेयर्स वगैरह काइंड ऑफ, ये पूरा वुडन का सारा सामान है। तो यहाँ पे आओ और लो पक्का, मैंने तो देखो भाई आदमी की मेहनत के पैसे देने चाहिए, जो आदमी अब ये यहाँ पूरे दिन बैठे रहते हैं कमाने के लिए, ये हर कोई बैठा है तो आओ इधर इनकी मेहनत कराओ, ऑनलाइन तो यार दुनिया लेती है, यहाँ पे आओ ये बैठे हैं मेहनत करते दिखाते हैं सारी चीज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से, सारा सामान है ये वीडियो में देखो ये भी, बाकी बिल्कुल हो जाए भाई वायरल तो बढ़िया है। तो ये दीपक का मन ये लेने का था, बट दीपक क्यों नहीं ले रहा तू ये, ऊपर वाले रूम में स्टूडियो में रखते हैं इसे। सो गाइस हम बंजारा मार्केट से आ चुके हैं आप, और मैं कहूँगा आप लोगों को कि इस मार्केट में ज़रूर जाएं, और इन लोगों की जो ये मेहनत करके जो कमाते हैं पैसा, उनको मतलब मिडल मैन यहाँ पे ख़त्म है, ये डायरेक्ट है, ये मैंने इनसे पूछा था थोड़ा बहुत, तो ये कह रहे थे जोधपुर से लाते हैं ये सामान, तो आप लोग इनके पास जाइए खरीदिए, बार्गेनिंग देखो नो डाउट बार्गेनिंग करना हमारा भी राइट है एज अ कस्टमर, हम भी अपना राइट तो पूरी तरह निभाएंगे, तो बार्गेनिंग करिए इनसे, बार्गेन करिए और अच्छे से ये प्राइस में देते हैं, बेस्ट प्राइस में देते हैं। तो यहाँ पे आओ, सेक्टर 56 गुड़गांव में है ये, सेक्टर 56 में बंजारा मार्केट के नाम से है, आप गूगल मैप पे भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ आइए और पूरा अपने शॉपिंग करिए, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं खरीदने को और बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो आओ खरीदो। बाकी अब हम करके आए हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और गाइस एक सजेशन देना है, मैं अपने चैनल का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने जो सोचा है वो है वाइट कॉलर ट्रैवलर, आप लोग बताना कैसा नाम है, कि वाइट कॉलर ट्रैवलर अच्छा रहेगा या जो मेरा नाम है चाणक्य शर्मा, उसी नाम से इस चैनल को रहने दो। बाकी आपसे मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।